एक टाइम घास काटते थे, आज घास की कोई कीमत नहीं है, ऐसे ही घास चढ़ रही है। समय समय का अंतर है। एक समय घास की लोग काटते थे अपने पशुधन के लिए, घास की बहुत महत्व था, आज घास की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे चढ़ रही घास। और ऊपर है वो मल्ला भसी खेत, वहाँ जाना टाइम मिला नहीं मेरे को, वो मल्ला भसी खेत के पूरी खेती बंजर हो चुकी है। आपको देखे सामने हमारे एक बार खेत खलिहान थे, आज खेत बंजर हो चुके हैं। ये मेरा प्रारंभिक पाठशाला डुरोली, हाँ ये टाइम ये भी था, ये खेत था, अब घास रह चुकी है। समय का अनुसार इसी हम खेल कूद करते थे इस खेत में बचपन में, हाँ। और ये हमारा बचपन का स्कूल, इस स्कूल को देखकर हमारी 84-85 की यादें तरोताज़ा हो जाती हैं। एक दिन हम इन्हीं बच्चों की तरह इस स्कूल में पढ़ते थे, आज समय के अनुसार हम समय बढ़ता गया, हम भी बढ़ते गए, आगे चले गए और नए नए बच्चे यहाँ स्कूल में आए। इस स्कूल में तो मैं उस टाइम मैंने 92 में 10वें का कुल्ली काम किया, जहाँ आज ये लेंटर बन चुका है। उस टाइम हमारा बोर्ड की एग्ज़ाम था, 10वीं का एग्ज़ाम देखे, फिर मैंने 12 रुपये की मजदूरी में ये पूरा काम किया, 12 रुपये का उसमें पूरा फील्ड बनाया समय के अनुसार। तो ये मेरे बचपन की यादों का स्कूल, हम खेलते थे इन खेतों में, फूल तोड़ते थे और हाफ टाइम में इनके इस फूलों की रस चूसते थे, इसका टेस्ट ही अलग था। समय है, बिच्छू घास है ये, और ये गाजर घास है, गाजर घास, इस गाजर घास ने तो पूरा खेती बंजर कर दिए। ये पहले नहीं हुआ करता था। ये आया था ना गेहूँ में अफ्रीका से, इस गाजर घास ने ही पूरे गाँव की जमीन ही बंजर कर दी, गाजर घास है ये, बस खत्म है खेती, हाँ। और ये मेरा स्कूल बच्चों का स्कूल है, यहाँ देखा तो ऊपर बन गया, हाँ ऊपर दिखाते, हाँ ये पहले पुराना था, हाँ ऊपर नया बन गया, हाँ। ये स्कूल तो बंद हो गया, ऊपर बन गया नया, नया दिखाता हूँ मैं, मैंने यहाँ तो 5वीं तक पढ़ी, आप जो है नया स्कूल बन गया 5वीं ऊपर तक देखते हैं। और नमस्कार गुरु जी, हाँ नया स्कूल बन गया, और नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कितने पढ़ते हो बच्चों? हाँ बढ़िया, ये स्कूल देखे तो हमारे बचपन की याद ही आ गई यार, हमने यहाँ नीचे पढ़ा था, आज नया स्कूल बन गया, हाँ। कितने बच्चे गुरु जी? 5 आठ है, अच्छा है नहीं, एक तुम्हें यहाँ 100-200 होते थे, हाँ 86 में 86 में 83 में 100-200 होते थे, डोडोली भैंसी खेत मल्ला भैंसी खेत थाल बजटिल्ला रो इस गांव के लड़के आते थे, अब तो गांव में कम हो गए लोग। और ये मेरी बचपन में स्कूल की यादें, ये स्कूल का फील्ड ग्राउंड, दिन में शाम तो यार ठंड बहुत है, लेकिन यार दिन में गर्मी ठीक है, ठीक ठाक, पसीने आ गए। ये हमारा बचपन का स्कूल का ग्राउंड्स, यहाँ हम खेल कूद करते थे, आज ये स्कूल ऊपर शिफ्ट हो चुका है। तो परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, ये उद्देश्य लिखे हैं, प्रबंधन लिखे हैं, राजकीय प्राथमिक विद्यालय गढ़ोली सल्ट अल्मोड़ा, यहाँ से हम आते थे। और वो सामने हमारा रोड आ चुकी है, अगर जिस गांव में सड़क है तो वहाँ उसका विकास अवश्य होता है, तो सड़क भी जरूरी है, सड़क पानी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, तभी गांव का विकास होगा, ये आवश्यक है, किसी गांव के विकास होने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये
सड़क, लाइट, पानी, टेलीफोन, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सामने ढुजुली गांव है। वो सामने हीरा सिंह जी का गांव गांव है ढुजुली। वो सामने हीरा सिंह जी राणा जी का गांव है ढुजुली। अभी हम चलते हैं दिल्ली की तरफ। अगर ये सड़क गांव में 20 साल पहले आ जाती ना, इतना प्लान नहीं होता। तो ये सड़क अब आई गांव, जब लोग गांव से दिल्ली को प्लान कर चुके हैं। काश ये सड़क हर गांव में 20 साल पहले आ जाती तो गांव का इतना प्लान नहीं होता, क्योंकि लोगों ने ऐसे छोड़ा गांव में, मार्केट से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, रोड की अव्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएँ, पानी की व्यवस्था नहीं, और इसलिए लोगों का प्लान ज़्यादा हो गया। जंगली सूअर बंदर का प्रकोप, खेती को नुकसान करना, चूहों, भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग, बादल फटना, उसका भी मेन कारण है प्लान को के लिए, और रोजगार का साधन न होना। तो आज गांव में है तो गांव में 70% लोग पहले गांव में रहते थे, आज उल्टा हो गया। आज 70% लोग शहर के तरफ चले गए और बाकी बूढ़े उड्ढे गांव में रह गए। तो बहुत दुखद विषय है। तो समय के अनुसार सब कुछ बदलना पड़ता है। तो अब हमारे प्रस्थान दिल्ली को, और माता जी यहाँ पर हम क्रिकेट मैच खेला करते थे, ये नीचे जो आज की डेट में बंजर है, यहाँ पर हमने काफी क्रिकेट खेली है, बचपन में मार भी खाई है क्रिकेट चक्कर में। यहाँ पर काफी टूर्नामेंट हुए थे, भैंसी के तो ढोली के काफी टूर्नामेंट हुआ करते थे, जिसमें भैंसी की टीम हमेशा विजयी रहती थी।